गोलकोंडा इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोलकोंडा ब्रांच एक ही बैंक है, कोई दूसरा बैंक आया नहीं अब तक। 32-33 ईयर से सर्विस किया है हम लोग हैं, और जनधन के टाइम पे जैसा एकदम 15-20 हज़ार अकाउंट ओपन किए है, वैसा आज जो है माहौल है। तारीख से शुरू हर दिन जो है 7-8 बजे से शुरू कस्टमर से, और 9 बजे तक हम लोग जो है सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे। और इतना एक्सेलेंट सर्विस है, ये रियल सर्विस है। यहाँ पे हर काउंट के हर जैसे के लोग गरीब अमीर सब लाइन में ठहरे हुए पैसे लेके और पैसे निकालने के लिए। हमारे मैनेजर साहब सुमित किशोर साहब है, और उन्होंने आज तबीयत ठीक भी नहीं है, उनको एंटीबायोटिक लेते हुए आज बैंक जो है आके काम कर रहे हैं। अपने स्टाफ पूरे श्याम सुंदर है, अमीर हेड कैशर है, और श्रीधर साहब है, सब स्टाफ जो है, मैं भी यहाँ का काम किया हुआ हूँ, और इतना सर्विस कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी क्या एक 10 स्टाफ भी डिपूट कर रहे हैं तो रोजाना कस्टमर जो है कम से कम 2 घंटे तक बैठना पड़ रहा है, और क्या कमी है। सब आप बोलिए कितने दिन में कितना कैश डिपूट हुआ है अभी तक? हम लोग जो एक्सचेंज है 4,000 कर रहे हैं, हमारे पास 2,000 का नोट है, 2,000 दे रहे हैं, और जो हमारे पास जो हमारे पेट्रोल की आ रहे हैं 10,000 तक पर डे का लिमिट है, हफ्ते का 20,000 दे रहे हैं सबको। हर दिन 1,000-2,000 से ऊपर लोग आ रहे हैं। 9:30-9 बजे तक हम लोग रात को बैठ के काम कर रहे हैं, 12 बजे घर जा रहे हैं। पर डे का हमारा ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा, हमारे RO के ZO के स्टाफ डिप्यूट किए गए हैं, RO से बहुत सपोर्ट है, कैश आ रहा है। कल अभी 2 दिन के अंदर अभी हमारे यहाँ जमा 5.5 करोड़ से ऊपर जमा हो चुका है जमा, और हमने भी बहुत सारा कैश हंड्रेड्स के इसमें भी दिया। आज हमारे पास 200 का नहीं है नोट, 2000 के है, तो 2000 फेल है, लेकिन धीरे धीरे जैसे सप्लाई होगा वैसा करते जाएंगे। सर हर कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। कल संडे, कल को भी हमारा, आज सैटरडे को सेकंड डे था तो भी हमारा बंद था, लेकिन आज सैटरडे और संडे दोनों दिन खुला है, दोनों दिन काम चल रहा है, हमारा इसी तरह काम चलेगा।